लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई में पुनर्विकास के बारे में कुछ अफवाह फैली जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री के नाते मैं लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये पुनर्विकास के पक्ष में 2015 से काम कर रही है और आज भी पुनर्विकास की जो भी नीतियाँ फिक्स हुई है या जो भी नीति आई हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ा योगदान है, आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का योगदान है। तो अगर कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी पुनर्विकास में रोड़ा अटका रही है तो ये सरासर गलत है और झूठ है। ये मैं लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी का भूमिका स्पष्ट करना चाहता हूँ। रहा सवाल फिलहाल जो कुछ ऑब्जेक्शंस वगैरह सब चल रहे हैं तो वो ऑब्जेक्शन सरासर बेसलेस मैं मानता हूँ और अगर कोई भी तथ्य है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन इसके पहले भी मैंने स्टेटमेंट दे दिया था जिसमें कहा था कि जो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट इश्यू हो गए हैं वो किसी भी हाल में कैंसिल नहीं होना चाहिए। अगर वो कैंसिल होते हैं तो लोगों का पैनिक ही हो जाता है। अगर कोई गलत चीज़ें हो गई है तो उसको करेक्शन करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन का एरर होगा तो करेक्शन करना चाहिए। इस विषय पे काम करते हुए मैंने खुद देखा हुआ है, जब टाउन प्लानिंग में आप डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते हैं तो टाउन प्लानिंग का एक फॉर्मेट रहता है, एक चार्ट होता है कि कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो उस हिसाब से उसके अंदर बिना मॉडिफिकेशन किए टाउन प्लानिंग में वही चार्ट के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है तो शायद उसमें एरर ऑब्जेक्टिव या ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि आयुक्त साहब को वैसे मैंने रिक्वेस्ट भी किया हुआ है कि अगर कोई भी कंप्लेंट वगैरह आती है तो तीन अधिकारियों के, वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बनाएं और सारे लोगों को जिनको भी इस विषय के बारे में कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो वो ऑब्जेक्शन वो कमेटी के सामने रखे, कमेटी उसका हियरिंग ले ले और उसके अंदर से कंक्लूसिव रिपोर्ट निकाले और जो करेक्शन करना है वो करेक्शन करे। लेकिन फिर कहता हूँ पुनर्विकास से कभी भी रुकना नहीं चाहिए। पुनर्विकास से आज लोगों का एक सपना है और कई लोग तो ऐसे हैं कि शायद बिल्डिंग पूरा होते होते भी रहेगी कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन इस वक्त लोग पुनर्विकास में रोड़ा अटका के काम चलेगा नहीं। और जिन्होंने भी ऐसे सोचा हुआ है तो मेरी उनको विनंती है कि पूरा पुनर्विकास का अभ्यास कीजिए, उसके बाद ही आप आपका भूमिका स्पष्ट कीजिए।